प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फिर आ रहे हैं जम्मू। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी। बीजेपी नेताओं ने स्टेडियम का दौरा कर जांची तैयारियां। सांबा में स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे जारी। कल योगी आदित्यनाथ सांबा में भरेंगे हुंकार। सांबा में तीसरे चरण के तहत होने जा रहा मतदान। कई अन्य स्टार प्रचारक भी जल्द पहुंच रहे हैं सांबा। दूसरे चरण के मतदान को अब मात्र कुछ घंटे बाकी। राजौरी की 5 विधानसभा सीटों पर कल होगा मतदान। जिला चुनाव अधिकारी तैयारियों की कर रहे समीक्षा। राजौरी से आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के 28 सितंबर को प्रस्तावित जम्मू दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते पार्टी नेताओं ने आज स्टेडियम का दौरा कर इन तैयारियों की समीक्षा की है। दूसरी ओर आज शाम जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचने वाली है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी कल जम्मू का दौरा प्रस्तावित है। कुल मिलाकर जम्मू में इन दिनों चुनावी हलचल जोर पकड़ रही है, क्योंकि तीसरे चरण में जम्मू के अंदर भी विधानसभा के चुनाव या फिर मतदान होने जा रहे हैं। इससे पहले अब कल जब दूसरे चरण के मतदान होंगे, लेकिन उसके बाद तीसरे चरण की तैयारियां, चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हो जाएंगी और अब प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हमें स्टेडियम में होने जा रही है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है और हमें उम्मीद है कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर शमूलियत होगी। जो जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी का जोर पकड़ रहा है, उसी तरह से एक अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हक में, और स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी को पूरा देश चाहता है। उनके आने से एक अलग वातावरण यहाँ पर बनेगा और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाली जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तरह से अपने अपने प्रतिक्रिया इस दौरे को लेकर दे रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर खुद एक प्राथमिकता दी है। फिलहाल विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, मैं सीधे उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, पीएम मोदी का दौरा और जो प्राथमिकता पीएम मोदी द्वारा जम्मू को दी जा रही है या पूरे जम्मू कश्मीर को दी जा रही है, उसका नमूना हमने पहले चरण में भी देखा और अब दूसरे चरण यानी तीसरे चरण की बारी है जो जम्मू के अंदर चुनाव होने हैं। क्या लगता है पीएम मोदी का ये जो लगातार जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर इस पर नजर बनाए हुए हैं, इसका कितना लाभ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा 2014 के आधार पर? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यहीं पर मौलाना आजाद स्टेडियम में ललकार रैली का आयोजन किया गया था और वहां से हुंकार भरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उम्मीदवार थे। तो उस ललकार को कायम करते हुए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बनी। अब जब 28 सितंबर को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे, स्वाभाविक सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो आखिरी दिन होगा प्रचार का, तीसरे चरण के प्रचार का। उसके बाद प्रचार संपन्न हो जाएगा और आखिरी दौर पर उनका संबोधन करना एक अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। दूसरी बड़ी बात यह कि शीतल, जम्मू कश्मीर या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। सब स्टार प्रचारक इस वक्त जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा एक ही दिन में गृहमंत्री अमित शाह भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, जेपी नड्डा भी जम्मू में थे। एक दिन में 3 बड़े स्टार प्रचारक अगर प्रचार करते हैं तो बड़ा सीरियसली इस चुनाव को ले रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, ना सिर्फ बीजेपी, बाकी जो
क्षेत्रीय दल हैं या फिर राष्ट्रीय दल जिसमें कांग्रेस है, उनके बड़े चेहरे भी जम्मू में पहुंच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। 10 साल का एक गैप हुआ है, जो एक संपर्क लोगों के साथ होता है वो सक्रिय नहीं रहा है पिछले काफ़ी समय से, उसको और दोबारा से साधना, लोगों के बीच जाना, उनके साथ संपर्क साधना, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए कि अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इसमें शामिल थे, लेकिन उसके अलावा कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी इस सूची में डाला गया था, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इन तमाम स्टार प्रचारकों का जो दौरा है, जो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। ऋषि, देखिए तीसरे चरण में ये मतदान होने हैं, सांबा या फिर आसपास के इलाकों की बात करें, लगातार स्टार प्रचारकों का जो आने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है पिछले 10 साल की उपलब्धियां ही हमारे लिए काफी हैं और हमारी जीत जो है वो 10 साल की उपलब्धियां सुनिश्चित करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब लोग बाहर आएंगे, वोट करेंगे, किसके पक्ष में जाएगा, 8 को जब मतदान की गणना होगी उस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले इफेक्टली देखें तो ये तमाम जो प्रचारक आ रहे हैं, इनकी बातों का या ये जो अपने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका बखान इन रैलियों के जरिए करते हैं, इसका कितना प्रभाव जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? जी ऋषि, आप सुन पा रहे हैं? तो ऋषि हमारे साथ इस वक्त जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऋषि का जो तकनीकी रूप से संपर्क है वो टूट चुका है, हमारी टीम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल सांबा के अंदर खुद जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में देखे गए थे, जिन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया था और उसके बाद 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था जम्मू की, 2 सीटों पर। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव हैं, परिस्थितियां अलग हैं, यहां पर हालात कुछ बदले हुए हैं। 2014 में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, इससे पहले 2014 में हुए थे, उसके बाद बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, लगभग 3 साल के आसपास ये सरकार रही, लेकिन उसके बाद सरकार खत्म हो गई, सरकार गिर गई, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 2019 में देश में एक बहुत बड़ा या फिर जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के रूप में धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया और केंद्र सरकार ने कहा कि एक बहुत बड़ी दीवार जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच थी जिसको हटाया गया है, और उसी दीवार के चलते यहाँ के विकास कार्य नहीं हो रहे थे। वापस ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ऋषि, कल सांबा में भी योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जो सिलसिला है चुनाव प्रचार का तीसरे चरण का, वो लगातार अब जारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पहुंच रहे हैं या जो बाकी स्टार प्रचारक हैं, हालांकि केंद्र सरकार कह रही है या बीजेपी कह रही है कि पिछले 10 साल में जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बाकी अन्य दलों पर भारी हैं, लेकिन उसके बावजूद इन स्टार प्रचारकों का पहुंचना कितना प्रभावित है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अभी कल दूसरे चरण का मतदान होना है और उसके बाद तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है, जिसके चलते लगातार आप देख रहे हैं कि मैराथन जो रैलियां हैं ये स्टार कैंपेनर्स द्वारा की जा रही है, स्टार प्रचारक यहां पर पहुंच रहे हैं, वो चाहे भाजपा के। जी ऋषि, जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले कल सीमावर्ती इलाका ये जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंचनी है, वो भी यहाँ पर मैराथन रैलियां यहाँ पर करेंगी और उसके बाद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके फेवर में जो है वो वोट की अपील भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनावी मौसम इस समय काफी ज्यादा, इस समय आप कह सकते हैं कि मौसम की सरगर्मियां काफी तेज है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि फुल स्विंग में तमाम ये कैंपेन्स नजर आ रही है, तमाम ये जो उम्मीदवार हैं लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे, लोगों के बीच में अपने पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद 1 अक्टूबर को आखिरी और तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। वहीं अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होने हैं, लेकिन 10 साल के बाद ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये काफी अहम चुनाव है, ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि कई चीजें इसमें नहीं होने जा रही है। बिल्कुल ऋषि, देखिए कई चीजें नहीं होंगी, ऋषि कई चीजें नहीं होंगी, लेकिन अभी तक जो बीजेपी नेताओं के दौरे हुए हैं उनको मूल्यांकन किया जाए, उनको कंक्लूड किया जाए, तो इसका मॉरल जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आता है, चाहे वो परिवारवाद पर हमले हों,
धारा 370 का वापस लाना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है वो है, या फिर लगातार परिवारवाद पर हमला किया जा रहा है कि ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर को खोखला कर रहे हैं, आतंकवाद जैसे मुद्दे हो या धार्मिक स्थलों के नाम बदलने का मुद्दा हो, पीएसए को हटाने का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान से बातचीत करने का मुद्दा हो, उसको लेकर इस वक्त बीजेपी विपक्ष को घेरने का काम कर रही है। तो क्या यही मुद्दे हूबहू इस तरह के सांबा के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा या जो बाकी स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचेंगे? तरफ की बात करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने देखा कि इस समय विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि आपने अपने 10 साल के टेन्योर में केंद्र में किया क्या, बेरोजगारी लगातार चरम पर है, इसके साथ कई ऐसे बनने की चूज है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जो हमला है वो काफी ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है विपक्ष के ऊपर, इसके कई धार्मिक स्थलों के नाम बदलने का जो वाक्य सामने आ रहा है कि विपक्ष जो वो इन तमाम जगहों के नाम बदल देगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का कटाक्ष जो वो विपक्ष के ऊपर होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो 370 को लेकर लगातार मुद्दा बनाया गया है विपक्ष द्वारा चुनाव में, चाहे जम्मू कश्मीर का ये चुनाव हो या फिर बाहरी राज्यों में जो चुनाव हो वहां पर भी 370 को लेकर बात की गई है, यानी एक तरफ का वोट बैंक जो वो बटोरने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा। लेकिन 370 को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, वही स्टैंड जो पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आता है वही स्टैंड उसका है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या मानसिकता है, इसको लेकर हमने दो दिन पहले मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को यहाँ से माफी मांगनी होगी, कांग्रेस ने जिस तरह से स्टैंड अपना 370 को लेकर क्लियर किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर किया, वही स्टैंड उनका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, तो यहाँ पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, खड़गे को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से ये बयानबाजी ये सामने आई है, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे सामा में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक सरकार के अंदर को इस समय बने हुए हैं बीजेपी के खेमे से, लेकिन एक झाकड़ चीफ मिनिस्टर भी है उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कई सारी चीजों के ऊपर वो बात करेंगे, कई अहम मुद्दों के ऊपर वो बात करेंगे, और कहीं ना कहीं ये काफी आप कह सकते हैं कि लाभ भी हो सकता है। लेकिन आप देखना यह है कि जो नतीजे हैं वो क्या सामने आते हैं, जो 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले जो इस समय कैंपेन्स का सिलसिला जारी है, दूसरे दिन का मतदान कल होना है, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे, जब 29 तारीख को कैंपेन बंद हो जाएगी, उसके बाद 1 अक्टूबर को वोट डालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल 3 से 4 दिन तक अभी भी लगातार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ऋषि खजूरिया सांबा से बने हुए थे जो चुनाव को लेकर अपडेट दे रहे थे। इधर पीर पंजाल में अधीन आने वाले राजौरी और पुंछ जिले में दूसरे चरण के मतदान को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। बात करें अगर राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज कुछ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया गया है। जिला चुनाव अधिकारी अभिषेक शर्मा स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने उनके साथ मतदान को लेकर खास बातचीत की है, आइए देखते हैं क्या कहना था। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल जहां खिताई पीर पंचाल की 8 निश्चितों पर पोलिंग होने जा रही है, जिसमें सरहदी जिला राजौरी के भी 5 असेंबली हलके हैं जिनके लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जिला त्रिकातिक मिशन राजौरी हैं अभिषेक शर्मा साहब, इनसे जानेंगे। सर, आज सुबह से ही पार्टियों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर इन पार्टियों को रवाना किया जा रहा है? नमस्कार जी, आपको मालूम है कि हमारे 745 पोलिंग स्टेशंस के लिए जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो आज यहाँ से रवाना हो रही हैं। राजौरी में कुल 3 डिस्पैच सेंटर्स हैं, जिसमें बुद्धल, थाना मंडी और राजौरी, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो टीम्स हैं वो आज रवाना हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि राजौरी का जो टेरेन है काफ़ी चैलेंजिंग है, और ख़ास तौर से जो हमारा थाना मंडी और बुद्धल का एरिया है उसमें ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पैदल 3-3, 4-4 घंटे ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि अर्ली मॉर्निंग डिस्पैच इसलिए शुरू किया जाता है ताकि वो पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशंस पे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे टाइमली पहुँचें और अंधेरा होने से पहले पहले अपने सारे टीम्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लें ताकि कल के दिन की जो पोलिंग है उसको वो पूरी अच्छे तरीके से रेस्ट करने के बाद कल से वो स्टार्ट कर पाएँ। सर, आज सुबह से ही आप वर्क पे हैं, मगर एक बड़ी चीज़ देखी हमने, आप सुबह से पैदल मार्च कर रहे हैं, डी सी ऑफिस से डिग्री कॉलेज एक एक 1.5-1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल आप वॉक कर रहे हैं, कहाँ? देखिए, हमारी जितनी भी टीम्स हैं लगभग 3,000 के करीब एम्प्लॉयज़ आज अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे, और बहुत चैलेंजिंग होता है पोलिंग ड्यूटी करना, कोई आसान काम नहीं है। तो एक तो उनका मोरेल बूस्ट करने के लिए, और साथ ही कि सिटी में राजौरी टाउन में ट्रैफिक कंजेशन की जो कंप्लेंट्स आती रहती हैं उनको भी हम टाइमली एड्रेस कर पाएँ, इसके लिए हम लोग सभी टीम्स हमारे इलेक्शंस की, हमारे
डीसी ऑफिस की टीम्स सभी रूट मार्च कर रही है जगह जगह पे, ताकि किसी भी जगह पे कंजेशन आए उसको हम तत्काल वहाँ से क्लियर करते जाएं। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक तकरीबन 51 के करीब पोलिंग स्टेशन है, ऐसे हालात में अगर हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान की तरफ किए जाते तो उनके लिए क्या बंदोबस्त की? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक हालात की बात है वो काफ़ी अच्छे हैं और पार्लियामेंट्री इंतखाबात भी काफ़ी शांतिपूर्ण हो गए हैं, टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा है और फर्स्ट फेज़ में जितने भी इलेक्शंस जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हुए बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी नेगेटिविटी के, सब बहुत अच्छे से हुए हैं। हमारी भी यही प्रिपरेशन है, पूरी तैयारी है ज़िला इंतज़ामिया की कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं और स्पेसिफिकली जो ये 51 पोलिंग स्टेशंस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की गई हैं, सारे बैकअप अरेंजमेंट्स रखे गए हैं और पूरे मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये पूरा भरोसा है और जितनी हमारी इंटरेक्शन लोगों से भी रहती है, हमारे BLO से रहती है, बहुत अच्छा एंथुजियाज्म है वोटर्स में और हमें पूरा यकीन है। तो आपने सुना किस तरह से हमारे सहयोगी ने RDC से बात की है। आगे बढ़ेंगे। डोडा की रोटी पडराला पंचायत में करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क पर की गई ब्लैक टॉपिंग विवादों में घिर गई है। मात्र 2 दिन पहले हुई यह ब्लैक टॉपिंग अब उखड़ने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुआ है। लोगों ने इस परियोजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। और अब देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विकास मराज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं। विकास, इस तरह से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इसमें साफ तौर पर 2 दिन पहले ब्लैक टॉपिंग डाली हुई है और वहां पर अब उखड़ भी गई है, युवा विरोध कर रहे हैं, नाराज हैं, आखिर क्या पूरा मामला है? पंचायत रोटी पदरना और धड़ा से बिल्कुल हांच और अलग अलग जगहों के लिए जो एडजाइनिंग एरिया है वहां के लिए ये रोड कनेक्ट होती है, वहां पर ब्लैक टॉपिंग हो रही थी। लोग काफी खुश थे कि कम से कम ब्लैक टॉप हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तमाम रॉ मटेरियल जो है मिट्टी के ऊपर डाला जा रहा है, तो वहां पर लोगों ने जाकर प्रोटेस्ट किया और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि एक तो इतने लंबे समय के बाद हमारे यहाँ पर ब्लैक टॉप हो रही है, उसके बाद भी अगर इसी तरह का घटिया मटेरियल इसमें यूज किया जाए तो लोगों की जो काफी लंबे समय से दिक्कतें हैं, चाहे फिर एक्सीडेंट हो या गाड़ी खराब होने का मामला हो, ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती है। ऐसे में वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और दोबारा से इसमें ब्लैक टॉप डालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से फरियाद भी की है। लेकिन विकास, कहां पर कमियां रह जाती हैं विभाग की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, जिसका सामना आम लोगों को करना पड़े? ये तो तस्वीरें गवाही दे रही है। देखिए, आप देखिए चढ़ावेली में कई सारे एक्सीडेंट जो है कहीं ना कहीं ये कारण रहता है, जहाँ पर सड़क की हालत खराब होने के कारण गाड़ियों की खस्ता हालत हो जाती है और उसके बाद वो गाड़ी कहीं पर भी जाकर गिर जाती है पहाड़ी के नीचे। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग वहां पर सामने होने के बाद भी जो है मनमानी और गुंडागर्दी, ये तमाम चीज जो है वहां पर देखने को मिलती है। और ऐसे में वहां के लोकल लोग जो है तमाम इकट्ठा हो गए, क्योंकि एक तो 5 साल के बाद ब्लैक टॉप होती है, लंबे समय का इंतजार लोगों का खत्म हुआ, उसके बाद जो ब्लैक टॉप सही तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और काफी लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया है। कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन उस पे देखेगा, कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय पर इस एरिया में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं या जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के समय कोहरा लग जाता है, ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकास महाराज डोडा से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि ब्लैक टॉपिंग कर 2 दिन के बाद ये उखड़ गया है, युवा विरोध जता रहे हैं, लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों और विकास कार्यों में इतनी बड़ी सेंध क्यों, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए गुलिस्तान टेव्स के साथ। या फिर बाकी अन्य चीजें देखी जाएं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे थे। अगर विधानसभा की बात करें तो आप खुद जानते हैं कि 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, उसके बाद जून 2018 में सरकार गिर गई थी, उसके बाद से ब्यूरोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है, उत्साह है, लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। इससे बड़ी बात यह है कि मैं एक देख रहा था कि असेंबली में 350 एम्प्लॉइज हैं, पिछले
यानी जब से 2018 के बाद से 6 सालों में किसी एक इम्प्लाइज की भी प्रमोशन नहीं हुई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नहीं, स्पीकर नहीं है। यानी हर एक व्यक्ति को उत्साह असेंबली में काम करने वाले या फिर वो लोग जिनको किसी ऑफिसर्स के पास जाने में हिचकिचाहट होती है, ऑफिसर उनकी सुनवाई नहीं, वो भी चाहते हैं कि हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, हम उसके अपने MLA के पास जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी ग्रीवेंसेस रखें, उसका रिड्रेसल हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में। वैसे ही आज महबूबा मुफ्ती भी शाम को 6 बजे बाहू में यानी नानक नगर में जनसभा को संबोधित करेंगी, वहाँ से PDP के वीरेंद्र सोनू उम्मीदवार हैं, उनका प्रचार करेंगी, और राहुल गांधी भी 25 को आ रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए विनोद जी, कल जब राहुल गांधी ने रैलियां की थी, 2 रैलियां की थी, और दोनों रैलियों में उन्होंने कहा कि अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं जो पहले थे, वो 56 इंच का सीना अब 56 इंच का सीना नहीं रहा, अब प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अब पहले जैसे उनके अंदर अंदाज नहीं रहा है। ये तमाम जो बातें राहुल गांधी द्वारा की जा रही हैं, ये कितना इफेक्टिव है इन चुनावों के बीच में, खासतौर पर जो आने वाले 2 चरण हैं, क्या लगता है कितना इसका इफेक्ट पड़ सकता है राहुल गांधी की इन खास बातों का? देखिए शीतल, वो कैडर को, अपने कैडर को मजबूत करना चाहते हैं ऐसे तरीके से, और उन्होंने लोकसभा में भी कहा था और बाद में भी कहा था कि पहले जैसी बॉडी लैंग्वेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, वो नहीं जिक्र करते, आप 56 इंच के सीने का जिक्र नहीं करते हैं, ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं अपने कैडर को मजबूत करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये, सदाकत यह है कि यहाँ पर कांग्रेस के लोगों में निराशगी बड़ी ज्यादा है अपने विद इन पार्टी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनके ब्लंडर हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नाराजगी है। 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे बताएंगे कि क्या जो राहुल गांधी ने रैलीज की हैं या फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लेंडर्स हुए हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ा है ये 8 अक्टूबर को। जैसे जैसे एक और बात का जिक्र बार बार होता है विनोद जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि आप उन्हें टीवी पर देखते हैं लेकिन मैं उन्हें सामने से देखता हूं, यानी इस बात का हम ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है या यूं मायने निकाले जा सकते हैं कि वो बराबरी का एक कहने की कोशिश करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को सामने से देखता हूं लोकसभा में या संसद में, हम आमने सामने होते हैं और जो भी कानून पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से लाए गए हैं उन्हें वापस लिया गया है। उन्होंने इसमें अग्निवीर का नाम लिया, किसानों के 3 कृषि कानून जो लाए थे उसको वापस लिया गया, ये तमाम चीजें कही गई। क्या इसके जरिए वो अपने आप की बराबरी को एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वासियों के सामने? आज शीतल, अगर 543 में से 99 सीट्स लेकर के आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो मुझे नहीं लगता है इसमें मैं कोई टिप्पणी करूं। लेकिन स्वाभाविक सी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी इस बात को लेकर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 10 सालों के बाद उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, उसका ही उत्साह उनको बढ़ा है। और आपने अभी देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट ने वो प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, कैबिनेट ने अपना फैसला सुना दिया है, वो अगले विंटर सेशन में रखा जाएगा। जो सरकार फैसले ले रही है, लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में 303 सीटें थी, अब 240-41 में है, इसमें थोड़ा सा जो आत्मविश्वास है वो कम जरूर होता है, वो देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए थे। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी सांबा जिले की। 3 विधानसभाओं में 3रे चरण में होने वाले मतदान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सभी सियासी दलों के स्टार प्रचारक सांबा का दौरा कर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर लोगों से अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कल यानी बुधवार को बीजेपी के स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सांबा के स्वाखा इलाके में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टो भी कल सांबा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जब आई थी और स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही थे, गृहमंत्री अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे और खुद बीजेपी